Welcome to the Good Life Show. Today I am super excited, a bit nervous also, because this is a new initiative from my end, and this is specially done only for the lovely viewers, so that on the Good Life Show we will be talking about lot of topics, not just about astrology or numerology or tarot card reading, but we will try to combine topics which include astro healing. मतलब कि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वी थिंक दैट एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस और फ्यूचर गाइडेंस या यू नो एक भविष्यवाणी, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट एस्ट्रोलॉजी इज मच 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 मोर बियॉन्ड जस्ट प्रेडिक्शंस. सो इन द गुड लाइफ शो वी विल टॉक अबाउट स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स विच वी एक्सपीरियंस ऑन अ डेली लाइफ, एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ थ्रू द सिंपल मोड ऑफ हीलिंग वी कैन मेक इट बेटर. So today is the first episode, and I really want all of you all to participate, because that is how we can make it an interactive session. And like you know, today's topic is about healing your relationship, or rather how to increase and boost the love, the compassion in your relationship. इसके लिए मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा. आई रियली वॉन्ट ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग लाइव ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू कमेंट ऑन द टॉपिक्स दैट यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट. एंड बिकॉज टूडे इज रिलेशनशिप स्पेशल, इफ देर इज एनी क्वेश्चन दैट यू आर वॉन्टिंग मी टू आंसर थ्रू द मीडियम ऑफ गुड लाइफ शो, देन प्लीज डू कमेंट. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. Today's topic is about relationship and how to increase the love, the compassion towards your relationship. Ek baat bataiye, the moment I use the word relationship, who is the first person or what is the first name that came to your mind? Drop a comment and let me know. That is how I'll also come to know. Okay, who is the first person or the first thing, or kiska naam sabse pehle relationship sochte hi dimag mein aata hai? If you ask me, relationship, the first name that comes to me is God. Okay, and then maybe you know my family members, etc., my friends and all. Aapke life mein relationship सुनते ही कौन सा ऐसा इंसान आपके दिमाग में आता है, आई वॉन्ट टू नो. आपने एक चीज नोटिस करो, रिलेशनशिप वर्ड सुनते ही यू मस्ट हैव थॉट अबाउट सम सेकेंड और थर्ड पार्टी पर्सन, लाइक इट कुड बी योर हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, योर मॉम, योर सिस्टर, योर बॉस, योर कलीग, एनीबडी. इट कुड हैव बीन एनीबडी बट योर ओन सेल्फ, है ना. कभी आपने सोचा कि मैं रिलेशनशिप मतलब कि खुद के साथ सेल्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ? नहीं ना. वी विल टॉक अबाउट दिस एग्जैक्टली. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वन प्रोवर्ब, एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है विच सेज चैरिटी बिगिन्स एट होम. इसका क्या मतलब है? वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस प्रोवर्ब व्हेन वी वर इन स्कूल. It says that जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, you do some good charity kind of work like donation or giving of stuff towards other people, you have to make it a point that you first start that charity, that action within your own house, within your own home. हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही तो वास करते हैं. तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें प्यार करे, वो मुझे रिस्पेक्ट करे, वो मुझे अप्रिशिएट करे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट चैरिटी इन दिस केस मीन्स लव एंड कंपैशन. इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, फ्रॉम विद इन. ओके, दैट मीन्स अगर हम खुद की बात करें, सेल्फ लव की बात करें, दैट कम्स टू द सिंपल रेमेडी और द सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस, दैट मीन्स सेल्फ लविंग एफर्मेशंस. जब आप मॉर्निंग में दिन की शुरुआत करते हैं, हम क्या करते हैं, आंखें खोली विद इन 2 सेकेंड्स फोन उठाते हैं और बस सारा यू नो सारे हेडलाइंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू नो ऑल द सोशल मीडिया स्टफ वी स्टार्ट टेकिंग इन टू आर माइंड. दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद आर ओन सेल्फ, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द अदर पीपल. हम दूसरों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप खुद के फोकस, खुद के ऊपर फोकस छोड़ के सामने वाले पे फोकस करते हो, एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट ब्लंडर स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग. आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट यूज योर सेल फोन, यू कैन डू इट, बट मे बी 5-10 मिनट्स लेटर आफ्टर यू हैव वोकन अप. What you can do instead to rectify this mistake is, this was very tough for me also, but मैंने gradually time के साथ इसको change किया.
Now what I do is, अब मैं मॉर्निंग में उठते ही फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई गिव लॉट ऑफ सेल्फ लविंग एफर्मेशंस टू माय ओन सेल्फ. आई स्टार्ट टेलिंग माय सेल्फ दैट आई लव माय सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ, टुडे आई विल परफॉर्म एट माय अटमोस्ट पोटेंशियल. सी, अगर हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बॉस हमारी तारीफ करे, हमारा हस्बैंड हमें प्यार करे, अ बॉयफ्रेंड शुड लव एंड अप्रिशिएट अस, देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्रिशिएट योर own self, है ना. तो start giving self-loving affirmations to your own self early in the morning, ठीक है. This will really help you to invest good energies early in the morning in your day, and as you sow, so shall you reap. If you invest good energies in the morning, the day will also bless you with good energies throughout. Second thing जो हम relationship में expect करते हैं is धोखा, बिट्रेल या फिर कमिटमेंट. वी ऑलवेज कीप सस्पेक्टिंग ना कि मे बी वो किसी और के साथ है, या यू नो ही इज चीटिंग ऑन मी, और वॉट इफ इज ही, आई डोंट थिंक देर इज 100% कमिटमेंट कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन. वॉट डज दैट मीन? कमिटेड मीन्स गिविंग योर 100% इन टू अ पर्टिक्युलर थिंग. बट वेन यू थिंक अबाउट कमिटमेंट और यू एक्सपेक्ट अबाउट कमिटमेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, आस्क योर सेल्फ. मैं आप पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी कमिटेड नहीं हो पाती हूँ बहुत बारी, बट आई ट्राई बींग कमिटेड टूवर्ड्स माई सेल्फ. दैट मीन्स जब आप कोई एक गोल, एक डिसीशन लेते हो, यू हैव अ विजन कि सपोज आई वॉन्ट टू लूज डाउन 5 kilos, ओके. हाउ कंसिस्टेंट और हाउ कमिटेड यू आर टूवर्ड्स द डेली इनपुट टूवर्ड्स दैट अल्टीमेट गोल, है ना. हम बोलते हैं कि आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, बट विद इन फ्यू सेकेंड्स कोई हमें आके डिस्ट्रैक्ट कर दे, बस हम क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं. सिमिलरली कम्स इन रिलेशनशिप, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें कमिटेड, हमारी तरफ कमिटेड रहे, बट क्या हम खुद की तरफ कमिटेड हैं? रिमेंबर अगेन, चैरिटी बिगिन्स एट होम. ओनली व्हेन यू आर कमिटेड टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टूवर्ड्स योर ओन गोल्स एंड योर डिजायर्स, इट इज ओनली देन दैट द अदर पीपल विल स्टार्ट शोइंग कमिटमेंट टूवर्ड्स अस. एंड Also, I would say the writing down practice, ये मैं नहीं कह रही हूँ, this even science has proven that जब आप किसी goal को, आप अपने किसी committed wish को आप piece of paper में लिखते हैं, specially using a red color pen, it starts manifesting or it starts giving energy to that thought, because red color is a very pious color, it's in fact the color for manifestation. तो आप एक अपनी एक journal, एक diary बना सकते हैं, उसमें daily आप लिखा करो that this is my goal, this is my to-do list, and use a red pen for that. इससे एक दिन, दो दिन, you know, just make it a pattern, and consistently if you keep doing, you will realize that actually over a month's time you will start becoming more committed, and dekhna iska ek reverse effect bhi hoga that others also will become committed towards you. Ye main gyan ki baat nahi kar rahi hu, this is all tried and tested method, because even I was not 100% I would say committed towards my own self, but gradually when I started making a journal and jab main likhna shuru kar di cheezon ko paper mein red color ke pen ke sath, that's how you know it started improving. Third and the last most important point is letting go of the past and moving on. Bahut se log, in fact, if I talk about my experience with my clients, during the sessions and all, lot of people, especially youngsters and even people who are not very young, I would say, get stuck about the past. Matlab wo past ko soch soch ke, ek tape recorder ban jata hai, which just keeps getting repeated, and they end up having a sulking feeling and they go into depression also. They say that usne mujhe cheat kiya tha past mein, I had a very bad relationship in the past, and I just cannot move ahead in life. Main move on, move on is the term. Main move on nahi kar pa rahi hoon ya fir kar pa raha hoon. I had a bad experience in my job and I got a bad rating, and iske karan kya ho raha hai, main currently apne naye quarter ke liye acche se perform nahi kar pa rahi hoon. It's affecting my performance, my efficiency, main move on nahi kar pa rahi hoon. So this letting go of the past and moving on is the most, I would say, talked about or the biggest problem in lot of people's lives. Ye isliye hota hai because try to understand that this happens because
आप सोचो, जब सपोज ऑन अ नाइस संडे, ऑन अ नाइस वीकेंड हमें कहा जाता है, यू नो, जब मम्मी बोलती थी कि अपने कपड़े, अपने वार्डरोब को साफ करो, सारे कपड़ों को, जितने भी पुराने कपड़े हैं उसको निकाल के बाहर फेंक दो, तो क्या होता है कि हम कबर्ड को साफ कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो पुराने कपड़े हैं या जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा ना फिर छुपा के रख देते हैं ताकि वो किसी को डोनेट ना करना पड़े. That simply means that you yourself are not letting go of the past, है ना? या फिर it can be with the wardrobe also, it can be with the old books also. मतलब कहीं ना कहीं हम एक अटैचमेंट बांध के रखते हैं अपने पास्ट की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा. मतलब हम उनको लेट गो ही नहीं करना चाहते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि ये भी रह जाए और नई चीज़ भी आ जाए, है ना? बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट. See, letting go of the past does not mean that अब बस चीज़ों को उठा के फेंक दो. You have to understand that हर एक चीज़ की अपनी capacity होती है जिसमें वो एक certain quantity ही fill कर सकते हैं. अगर आप देखो एक पानी का ग्लास, उसमें आप जब पानी भरना शुरू कर देते हो तो एक टाइम के बाद जब वो ब्रिम तक आ जाता है उसके बाद द वाटर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, है ना? तो इसका क्या मतलब होता है? That the capacity of a container is limited. Similarly is our life, our emotions. You cannot expect कि अगर हम past में ही डूबे हुए हैं कि मेरे boyfriend ने मुझे ऐसे कहा, उसने वैसे किया, boss ने ये कहा, मम्मी ने ऐसा बोल दिया. You cannot expect to move ahead and attract new relationships in your life thereon. है ना? Please let me know if you are able to connect to the things that I'm saying, because I don't want to make it like a one-way communication. I would really appreciate if y'all can also give in your feedbacks, your inputs, and you know, all of that stuff. So coming back to topic, it's very important to let go of the past and move ahead. ये तो के ज्ञान की बात, but कैसे करें, है ना? This is the question which comes to your mind कि सब कुछ ठीक है, but मैं move on कैसे करूँ? I'll tell you. See, if it's about a relationship with a person in the past, it's very simple. उसके साथ जुड़ी हुई हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, be it, you know, a simple message, you know, a simple conversation, a small gift maybe. It can also be, you know, the call list, anything. Anything which makes you think or which reminds you of the past, just control all delete. Permanent उसको अपने life से delete कर दो. It will be tough. I'm not saying easy होगा. जैसे हमें कपड़े देने का मन नहीं करता है किसी गरीब को अपने वार्डरोब से, सिमिलरली डिलीटिंग एनीथिंग ऑफ द पास्ट इज पेनफुल, बट इट हैज़ टू बी मेड अ हैबिट. जब आप अपने अपने फ़ोन को क्लियर करना शुरू कर देते हो, यू नो, स्टार्ट इरेजिंग द चैट्स, द पिक्चर्स, यू नो, द कॉल्स, एवरीथिंग, एंड यू नो, डोंट बी कि सब कुछ एक साथ डिलीट मत किया करो. सपोज इफ यू हैव 10 पिक्चर्स ऑफ एनी ऑफ योर पास्ट पर्सन, जस्ट डिलीट सपोज से 8 पिक्चर्स, दो रख लो टेलिंग की, चल ठीक है ये जस्ट इन केस मन किया मैं देख लूंगी, उसके बाद फिर एक और करो, फिर एक और करो. दैट इज हाउ स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप यू विल बी एबल टू डिलीट ऑल ऑफ दीज मेमोरीज ऑफ द पास्ट. एंड वंस यू आर डिटॉक्सिंग योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट, दैट्स ओनली वेन द पीपल, द न्यू पीपल ऑफ द फ्यूचर विल स्टार्ट कमिंग इन टू योर लाइफ. सो गेटिंग रिड ऑफ द पास्ट इज वेरी सिंपल. स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी पुराने सामान आपके घर पे है ना, डोंट वेट फॉर दिवाली और होली टू कम एंड तभी मैं सामान को बाहर फेंकूंगी. इफ़ यू हैव एनीथिंग विच इज नॉट यूजफुल टू यू एनी मोर एंड इफ यू हैवन यूज्ड इट फॉर मोर देन आई वुड से 90 डेज, गेट रिड ऑफ इट. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू पाइल अप बुक्स एंड क्लोथ्स एंड ऑल, सोचते हैं कि जब मैं पतली होंगी तब मैं पहनूंगी या कभी काम आ सकती हैं. डोंट डू दैट. डोंट जस्ट थ्रो इट ऑफ, गिव इट टू अ पर्सन हु नीड्स इट मोर देन यू. ऑल राइट. So these were the three topics I wanted to talk about. First one is about charity beginning at home, that is about the self-loving affirmations. Second one was about writing down your goals, which will ultimately make you 100% committed towards your own dreams and desires. And third one is about getting rid of the past and moving on in life by cleaning the house and disposing of any kind of junk items. I hope you got at least some percentage of knowledge or awareness through this small initiative of the Good Life Show. And regarding the next show, I will again come live next Saturday again at 9:11 a.m. Remember, it's 9:11 a.m. Saturday. It's tough for me also to wake up and go live. But I appreciate if you all can also join in the conversation and, you know, just give me your inputs. And for the next episode,
I would really want all of y'all to drop in the comments, you know, and tell me on what topic you want me to go live on. I will see you very, 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 very soon. Till then, take care, all the best, and remember, it's all about enhancing the goodness in your life through the Good Life Show. Take care and bye-bye. Om Sai Ram.